हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 9 के लिए आज हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, किसी नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है। किससे? कॉस्ट ऑफ अ पेन का ट्वाइस है। इसको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दिया गया है ना, तो हम क्या कर ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ले ले रहे हैं एक्स। चलिए यहां पे ले ले रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने ले लिया एक्स रुपीज। कितना ले लिया? एक्स रुपीज। और कॉस्ट ऑफ पेन ले ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेन ले रहे हैं हम वाई रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेन कितना? वाई रुपीज। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। देखिए द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, यानी इक्वल कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस यानी टू इंटू किसके ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये हो गया, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना लिया आपने, एक्स रुपीज। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ अ पेन, कितना लिया, वाई रुपीज, तो हो जाएगा टू इंटू वाई। तो यहाँ पे बना क्या, एक्स इज इक्वल टू टू वाई, एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वाई एन टू वाई। और इसको हम टू वाई को एनएचएस में ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस टू वाई हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। यही जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ये स्टेटमेंट जो बना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कह रहा था इसको आप क्या करिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में दिखाइए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में हो गया। ठीक है, कर लीजिए।